हेलो एवरीवन, आप सभी का गुलर क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो चले आज हम SCS 2024 को टारगेट करते हुए इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, देखते हैं क्या क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द इंडियन इकोनॉमी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, क्रोनोलॉजी तो पूछते ही हैं, तो आपको सारे डेट्स पता होने चाहिए। तो पूछा गया है, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक कब आया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट ऑन बैंकिंग सिस्टम कब आया, एनेक्टमेंट ऑफ फेमा एक्ट कब आया और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया कब आया। तो ये जल्दी से आप डेट सोचेंगे और जल्दी से ये आंसर देंगे क्या है। तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका आ गया था 1969, ओके, फर्स्ट 14 बैंक। फिर 1980s में जो है आपके 6 और बैंक हुए, तो टोटल 20 बैंक्स हो गए थे। नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट 1991 में आई थी। फेमा आया था 1999 में, जो कि 2000 में ये केम इन फोर्स, एक्ट पूछा गया है तो 1990। जो एग्जिम बैंक आई है वो 1982 में आई है। तो क्या है सबसे पहले, क्या है ए ढूंढेंगे, फिर क्या है आपका सेकंड है, आप देखे यहाँ पे तो हो गया बी, है ना। तो ए हो गया एंड आपका हो गया डी, एडी। तो एडी आपका आंसर, फिर हो गया बी एंड सी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से डेट आपको मालूम होना चाहिए। फिर पूछा गया नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इसके बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट, इसका आंसर है नेट फैक्टर इनकम एट फैक्टर प्राइस, माफ कीजिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, इसको हम शॉर्ट में NNP फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ओके समझे, आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन क्वेश्चंस हैं। तो GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गिवन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फिफ्थ है ऑल गुड्स एंड इंटरमीडिएट सर्विस। तो GDP क्या होता है स्टूडेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटी, इकोनॉमी एक्टिविटीज कर रहे, इकोनॉमी एक्टिविटीज मतलब कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कर रही हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और चाहे वो सिटीजन हो, चाहे इंडिया का निवासी हो, चाहे ना हो, वो होता है GDP। लेकिन यहाँ पे फाइनल गुड्स क्या होता है, वो रेडी टू कंज्यूम है, राइट, वो फैक्ट्री गेट पे आ चुका है, रेडी टू कंज्यूम है, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो आपको हिंट तो मिल गया होगा, तो अब आंसर दे दीजिएगा कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही होता है आपका GDP। ओके समझे, आगे बढ़े, नहीं समझ आएंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, मोनेटाइज डेफिसिट। बहुत टाइप के डेफिसिट हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और इसमें से मोनेटाइज डेफिसिट है, क्या होता है ये। फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फाइनेंस द सेल ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, इंक्रीज इन RBI क्रेडिट टू सेंट्रल बैंक, फिस्कल डेफिसिट लेस लोन एंड एडवांटेज। तो मोनेटाइज डेफिसिट स्टूडेंट क्या है, मोनेटाइज डेफिसिट जब जो RBI, नाम से समझ आ रहा है मनी से हमारा RBI सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट को फाइनेंस करती हैं। RBI, यहाँ एरो देखिए, RBI क्या है, गवर्नमेंट को देती है। ओके गवर्नमेंट को, ये आया कब, ये 1997 में आया। ओके नेक्स्ट है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इम्पोज अ ग्रेटर बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच।
तो प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, लमसम और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि जो रिच हैं उस पे टैक्स ज़्यादा पड़ेगा इन सब में से कौन से टैक्स के टाइप में? तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है स्टूडेंट, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई आपका टैक्स रेट, याद रखिएगा रेट इंक्रीज हुआ तो प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई आपका टैक्स रेट रिड्यूस हुआ रिग्रेसिव। लमसम फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जो है लगाया जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्स परसेंटेज, राइट, परसेंटेज कि आपके इतने से इतने आप इनकम में बिलोंग करते हैं तो आप 20% टैक्स देंगे। तो क्या अब आपको हिंट तो मिल गया होगा, तो जल्दी से आंसर देंगे, आंसर है आपका रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट रिड्यूस होगा, इट मीन्स जो रिच हैं उन पे कम बर्डन पड़ता है, लेस बर्डन, एंड जो हमारे पुअर हैं उन पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है, मोर बर्डन, समझे? तो इस प्रकार से हमने आज इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर लिया, लेकिन यहीं पे हमारी जो है एंड नहीं हुआ है। हम गोयला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको फल की प्राप्ति देगा, राइट? तो जरूर हमारे साथ बने, उसके लिए आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं जो कि इस प्रकार से इसकी कॉस्टिंग होगी। अगर हम देखें पॉलिटी, अब आपको ऑप्शनल भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, ओनली जीएस भी दे रहे हैं, और यहीं पे खत्म नहीं होता, हम दोनों प्रेफरेंसेस, कंबाइंड प्रेफरेंसेस भी आपको दे रहे हैं। ये सारी प्रेफरेंसेस का आपका ध्यान रखा जा रहा है। तो ये देखिए 24999 में पॉलिटी की ऑप्शनल या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिर्फ जीएस हिंदी इंग्लिश में आपको लेना है ये। लेकिन आप हमारे साथ आइए, हम आपके नींव स्ट्रॉन्ग करेंगे और फल को भी प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेंगे, मतलब ऑप्शनल भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपको 39999 में आपको पड़ेगा, मींस आपका जीएस प्लस ऑप्शनल भी मिलेगा। और ये रही हमारी टेलीग्राम चैनल जो कि अभी अभी आप ज्वाइन कर ले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे, अब हम आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं तो आप तक पहुंचे, वो आपका टेलीग्राम जरिया है। तो जरूर इसको ज्वाइन करें स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आप सभी का धन्यवाद।